और आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में। हेलो गाइस, मैं आपका अपना पवन तेवतिया, ए सर्टिफाइड ट्रेनर, और आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पीसीओडी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रीटमेंट क्या है पीसीओडी का और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी को अगर आप इग्नोर करते हो तो आपको काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि नंबर वन, आपको मिसकैरेज हो सकता है। सेकंड पॉइंट रहेगा इनफर्टिलिटी, मतलब कि बच्चे को कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। थर्ड पॉइंट रहेगा डिप्रेशन, कि आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हो। फोर्थ पॉइंट रहेगा कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको डायबिटीज भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब कि यूटेरस में अबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, मतलब कभी भी आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कि हमको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वेट कम करना है अपना, क्योंकि हार्मोन इंबैलेंस हमारे जो होते हैं वो वेट गेन की वजह से होते हैं। आपको वेट कम करना है अपना, और वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों एक्सरसाइजेज हमको अपनी ऐड करनी है शेड्यूल में, उससे हमको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं पीसीओडी में। सेकेंड पॉइंट रहेगा डाइट, मतलब कि हमको अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो हमको डाइट में कंप्लीट फूड लेना है, मतलब बैलेंस फूड लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी ऐड करना है, प्रोटीन भी ऐड करना है, और हमको फैट भी ऐड करने हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमको जिंक हो गया, जैसे मैग्नीशियम और फाइबर्स जिन फूड में ज़्यादा हो, ऐसे फूड खाने हमको, वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हमारे पीसीओडी को ठीक करने में। थर्ड पॉइंट रहेगा सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में क्या लें, सप्लीमेंट्स में सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, अश्वगंधा आपको ऐड करना है। अश्वगंधा आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कॉर्टिसोल लेवल कम करने में। कॉर्टिसोल लेवल की बढ़ने की वजह से भी पीसीओडी हमारी होती है। तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका लेवल कम करने के लिए हम अश्वगंधा ले सकते हैं। जो सेकंड सप्लीमेंट रहेगा वो रहेगा ट्रिबुलस। ट्रिबुलस हमारी हेल्प करेगा, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो हमारी मेंसेस है, इनबैलेंस नहीं होने देगा, मतलब टाइम से हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काम करेगी, वो आपका हेल्प करेगा ट्रिबुलस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी पीसीओडी में हमको हेल्प करेंगी। फोर्थ पॉइंट रहेगा प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपको ऐड करना है, वो आपका हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन को कम करने में, और आपका जो सेक्स हार्मोन है उसको रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा स्लीप साइकिल, मतलब कि हमको अपनी स्लीप बेटर करनी है। 7 से 8 घंटे हमको नाइट में स्लीप लेनी है। इरेगुलर जो हमारा सर्कैडियन सिस्टम है उसको खराब नहीं करना है, मतलब कि हमको रात में कंप्लीट नींद लेनी है अपनी। ऐसा नहीं रात में जग रहे हैं हम और दिन में सो रहे हैं, उससे भी हमारे हार्मोन इंबैलेंस होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि हमको योगा ऐड करना है, मेडिटेशन और योगा ऐड करना है हमें स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। स्ट्रेस हमको कम करना है, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो हेल्प करेगा आपका हार्मोन इंबैलेंस होने में, जिससे कि आपके पीसीओडी को ठीक होने में काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। इससे भी ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने नियर बाय किसी गायने से और या किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से, और वो ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें मेरी वीडियो को, जिससे कि हेल्प मिल सके, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो 100 में से 80 जो फीमेल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम चल रही है। जो आधी फीमेल्स हैं उनको पता भी नहीं है कि मेरे को पीसीओडी है, उनको हेल्प मिल सकती है पता करने में कि मेरे को पीसीओडी है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना पवन तेवतिया, ए सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ए न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू सो मच।